विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म जरा हट के जरा बच के पहुंच चुकी है आखिरी मराहिल में। विकी कौशल और सारा अली खान ने अपनी फिल्म के हवाले से बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी, जबकि दूसरी जानब कतरीना कैफ और सलमान खान की फिल्म भी पहुंच चुकी है आखिरी मराहिल में। सलमान खान कतरीना कैफ की आने वाली नई फिल्म के हवाले से फैंस जानना चाहते हैं। सवाले से सारी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, सलमान खान और कतरीना कैफ की जोड़ी बरसों से ही बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। दोनों की ज़बरदस्त जोड़ी को फैंस बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि दूसरी जानब विकी कौशल और सारा अली खान की फिल्म ज़रा हट के ज़रा बच के आखिरी मरहल तक पहुँच चुकी है और कुछ ही टाइम तक रिलीज़ भी हो जाएगी। सारा अली खान विकी कौशल ने अपनी फिल्म ज़रा हट के ज़रा बच के की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आखिरी मरहल तक पहुँच चुकी है और कुछ ही टाइम तक रिलीज़ भी हो जाएगी। इस हवाले से सारा अली खान और विकी कौशल ने बहुत मेरी अनाउंसमेंट की है। विकी कौशल सारा अली खान का कहना है कि फैंस को उनकी ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि ये सब फिल्मों से हट के है। सारा अली खान विकी कौशल ने मज़ीद बताया कि दोनों की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को चार चांद लगा दिए हैं और हमें इस बात का यकीन है कि फैंस को हमारी जोड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और हमारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी फैंस का दिल जीत लेगी। तो फ्रेंड्स, ये तो सलमान खान और कतरीना कैफ की फ़िल्म टाइगर 3 के बाद विकी कौशल और सारा अली खान की फ़िल्म ज़रा हट के ज़रा बच के रिलीज़ हो जाएगी। अब देखना ये है कि दोनों में से किसकी फ़िल्म ज़्यादा सुपरहिट होती है, क्योंकि कतरीना कैफ और सलमान खान की जोड़ी बरसों से सुपरहिट होती हुई नज़र आ रही है, जबकि दूसरी जानब विकी कौशल और सारा अली खान भी ये बताना चाहते हैं कि उनकी ये फ़िल्म बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, इस हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।